सब तो पहले सारिआं नूं फतेह बुलाउंदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़े अहम मुद्दे ते मैं तुहाडे नाल लाइव हो रहा रूबरू हो रहा क्योंकि अज देश दे राष्ट्रपति की जिहड़ी चोण होण जा रही आ अते इस चोण दे विच जो मैं अपने तौर ते जिहड़ा इस चोण दा बाइकट कर रहा उस दे संबंध दे विच तुहाडे नाल विचार सांझे करन लई रूबरू होया वी क्यों बाइकट कर रहा। क्योंकि जे असीं पंजाब दी गल करिए देश दे विच लंबा समा कांग्रेस ने राज कीता केंद्र दे विच कांग्रेस दी सरकारां रहीआं लेकिन पंजाब नाल हमेशा ही वितकरे हुंदे आए ने। बेशक पंजाब ने सिख कौम ने हमेशा ही देश दे लई बड़ियां महान कुरबानियां दित्तियां चाहे देश नूं आजादी दिवाउण दी गल सीगी 80% कुरबानियां पंजाबियां ने सिख कौम ने दित्तियां ने चाहे देश के लोगों का ढिड भरन की गल सी उस भी पंजाब के किसानों का बहुत वड्डा योगदान रहा लेकिन देश आजाद होने तो बाद साढ़े नाल बड़े वितकरे हुए ने। सब तो पहला तो सिखां नूं जराई पेशा कौम का खिताब दिता गया केंद्र की सरकार वल्लों उस तो बाद साढ़े जिहड़े पंजाब के मुद्दे सीगे जिहड़े सानूं जिहड़ा पंजाब दिता गया जिहदे विच पंजाबी बोलदे इलाके जिहड़े उह नहीं दित्ते गए। चंडीगढ़ जिहड़ा पंजाब के पिंडां नूं उजाड़ के वसाया गया सी जिते उपर पंजाब दा हक आ चंडीगढ़ ते वो चंडीगढ़ अज तक सानू पंजाब नूं नहीं दिता गया। पंजाब दे जिहड़े पाणियां दे मसले ने वो हल नहीं किए गए। SYL जिहड़ी तके नाल नहर कढ़न दा जिहड़ा वो सारी शुरुआत भी केंद्र दी कांग्रेस सरकार वल्लों कीती गई उहदे नाल ही जिहड़ी सिखां दी नसल कुशी हुई आ दरबार साहिब ते हमला होया 84 दे विच जो दंगे होए ने सारिआं लई जिहड़ी कांग्रेस जिम्मेवार आ। सो इस लई कांग्रेस तों सानू कोई भी उम्मीद नहीं कि वह साडे पंजाब दे इन्हां मसलियां दा हल करूगी जिन्होंने बहुत वड्डियां तकेशाहियां पंजाब दे नाल सिख कौम नाल कीतियां ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिहदे नाल साडे अलायंस वी रहा श्रोमणी अकाली दल दा इस पार्टी तो सानूं बहुत वड्डियां उम्मीदां सी कि इह पार्टी साडे मसले हल करूगी लेकिन भाजपा दे विच भाजपा दी केंद्र दे सरकार आउण तों बाद वी साडे मसले हल नहीं होए चाहे कितें साडी लीडरशिप दीआं कमियां रहीआं ने जां कितें कोई निजी स्वार्थ रहे ने कारण पता नहीं की ने लेकिन वो मसले साढ़े हल नहीं हुए। हुण भी जो पार्टी वल्लों जो भाजपा नूं उन्हां दे उम्मीदवार नूं क्योंकि जो भाजपा दा उम्मीदवार आ वह पछड़े कबीलियां दे विचों आ साडा उस नाल कोई विरोध नहीं लेकिन जो पार्टी वल्लों फैसला लिया गया वोट पाउण दा उहदे लई मैं समझदा कि मेरे तों भी कोई सलाह नहीं ली गई पुछया नहीं गया उहदे नाल ही मैं समझदा कि जिहड़ी सिख कौम तो भी उहदे बारे कोई राय नहीं ली गई। मैं वोट पाउण तो पहला अपने हल्के दे जिहड़े लोग ने जिन्हां ने मैनूं इस वोट दा अधिकार दिता उहनां दे नाल सलाह मशवरा करन तों बाद वर्करां नाल सलाह मशवरा करन तों बाद इत्थों तक कि बहुत समती श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप नाल सलाह करन तों बाद बुद्धिजीवी वर्ग दे नाल सलाह करन तों बाद उहदे नाल ही जिहड़ी पंथ दी जिहड़ी सोच हैगी आ पंथ दी जो भावनावां ने उन्हां अनुसार ये जिहड़ा बाइकट करन दा फैसला लिया क्योंकि जिहड़े साडे पंजाब दे मसले ने चाहे वह चंडीगढ़ का मसला अज देखो चंडीगढ़ दे विच केंद्र दी सरकार वल्लों हरियाणे नूं विधानसभा बनाउण दी जगह दित्ती जा रही है जो शरेआम साडे नाल धक्का बिल्कुल वह जगह नहीं देनी चाहीदी। उहदे नाल ही जिहड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी आ उसका केंद्रीकरण किया जा रहा वह भी साडे नाल धक्का वा। केंद्र दे जिहड़े मुलाजम सर्विस रूल लागू किए जा रहे ने साडा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जिहड़ा वह मसला हैगा सो उहदे नाल ही बंदी सिंघां दी रिहाई का जिहड़ा मामला हैगा अते उस तों भी धक्का जिहड़ा किया गया कि SYL ते रिहाई वर्गे जिहड़े गीत जिहड़े पंजाब दे हक्कां दी गल करदे ने उहनां ते भी बैन लाया गया। सो इह जिहड़ियां तकेशाहियां कीतियां गईआं ने पंजाब दे नाल सो इसे करके जिहड़ा पंजाबियां दे जो मनां दे विच इस गल दा विरोध है। सो जे भाजपा चाहुंदी आउण वाले समें दे विच पंजाब दे लोकां दा सहयोग लैणा सिख कौम दा सहयोग लैणा तां जिहड़े पंजाब दे मसले ने इह पहल दे आधार ते हल करने पैणगे तां पंजाब दे लोक सहयोग दे सकदे ने ते नहीं तां जिहड़ा पंजाब हैगा हमेशा ही आपदे हक्कां लई लड़ाई लड़दा आया ते आउण वाले समें विच वी लड़दा रहूगा। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पंच दी नुमाइंदा जथेबंदी आ
जिसने हमेशा ही पंजाब के हकों की बड़िया लड़ाइया लड़िया ने, लेकिन अज जो हालात पार्टी के बने ने, अज तीन सीटा साढ़े को रह गई ने, कितना कितने उद्दे जो पार्टी वालों पिछले समय च गलतियां की गई, कुछ गलत फैसले ले गए ने, मैं समझा वह भी एक कारण ने। जो आने वाले समय के पार्टी चाहती है दोबारा मजबूत होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, तो जो लोगों भावनावान ने, सिख कौम भावनावान ने, उन्होंने अनुसार पार्टी काम करे। पिछले समय च साहिब इकबाल सिंह झूंदा की अगवाई के एक कमेटी बनाई गई सी, जिसने तकरीबन 100 हल्कों के जाके वर्करां नूं मिलके, लोगों नूं मिलके, जो लोगों भावनावान ने जां वर्करां दी भावनावान ने, सिख कौम दी जो भावनावान ने, उस रिपोर्ट दे विच ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।